अस्सलाम वालेकुम, यम्मी कुकिंग रेसिपीज में वेलकम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी मैंगो खीर, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप मैंगो की प्यूरी ली है, 1 कप हमने यहाँ पर चीनी ली है, 4 से 5 अदद हमने छोटी इलायची लिए हैं, इसके जो हम बीज निकाल लेंगे, थोड़े से हमने मैंगो के चंक्स लिए हैं, यहाँ पे हमारे पास है बादाम पिस्ते अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और 1/2 कप हमने यहाँ पे चावल लिया है, इसको हमने पीस लिया है। यहाँ पे जो है 1 लीटर दूध लिया है, इसको हमने बॉयल कर लिया है। अब हम इसके अंदर छोटी इलायची के दाने ऐड करेंगे जो हमने बीज निकाल लिए थे। अब हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे, अब जो है हम इसके अंदर जो हमने चावलों को पीस लिया था वो ऐड करेंगे। तो हमने जो है 20 मिनट तक जो है इसे अच्छे से पका लिया था, आप देख सकते हैं ठीक हो गया है। और आपको जो है चम्मच जो है हिलाते रहना है इसको, जब आप पकाएंगे तो इसको हिलाते रहना है, आपको बिल्कुल भी चम्मच रोकना नहीं है। अगर आप रोकेंगे तो दूध जो है वो नीचे लग जाएगा और उससे जो है आपकी खीर का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, तो आपको रोकना नहीं है। अब हम इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। और इनको हम मिक्स कर लेंगे। अब जो है हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारी खीर जो है वो रेडी है। आप इसको इतना पका लीजिएगा कि ये इतनी जो है थिक हो जाए, आप देख सकते हैं। अब जो है हम इसे निकाल लेंगे, ये रेडी है। अब जो है हम इसके ऊपर से थोड़ी सी मैंगो की प्यूरी हमने बचा ली थी, ये लगाएंगे ऊपर से इसकी लेयर। और हम अब हम इसके ऊपर से जो है मैंगो के चंक्स डालेंगे। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार सी मैंगो खीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। ये बहुत यूनिक रेसिपी है, आप इसे ठंडा करके खाइएगा, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। और इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।